मीठी मिनी मी मिनी भूखू भूखू लगी है गाइस, जा रही हूँ खाने, मेरे को बड़े चक्कर आ रहे हैं, क्या ही बोलूं मैं। चॉकलेट खाने खाना है तो काम तो करना पड़ेगा। सीज मेरी दिल की टुकड़ी, दिमाग खराब हो गया गाइस मेरा, मेरे को सोना है। मैं सबसे बेस्ट बनाती थी इसे बेची। सो कि नहीं सो, कैसे सोई हुई है, कैसा लगा जी? गाइस ये हमारा कुकुर कैसे सोई हुई है, एकदम मस्त सोई हुई है। ब्राउन बेटा, ब्रानो इंसान है क्या ये इंसान की तरह सोती है? प्यार करवाएगी, सुबह सुबह का मैडम का रूटीन यही है और वो मेरी गोली सो रही है, ये भी प्यार करवाएगी फिर सोएगी, यहाँ से उठेगी तो सोफा पे जाके सोएगी। कुंभकर्ण कुत्ता है मेरा गाइस, कुंभकर्ण। सो गाइस दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ा दिए, इसमें बनेगी भिंडी की सब्जी और इसमें बनेगी, इसको तोरई निनुआ बोलते हैं उसकी सब्जी, तो ये थोड़ा डिफरेंट बनता है हमारे तरफ, हमारे घर में दिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले कढ़ाई को करेंगे गर्म और अब डालेंगे इसमें तेल। इसमें डालेंगे अब जीरा, ये हमारा कटा हुआ मिर्ची और प्याज, उफ इसको डालेंगे। दो मिनट में भूनेंगे, ज़्यादा देर नहीं, ये ऑलमोस्ट प्याज भून चुका है, इसे डालेंगे हल्दी। अब इसमें हम लोग डाल देंगे अपना नेनुआ तोरई जो भी आप बोलते हैं उसको, इस प्याज में ये गल के बहुत थोड़ा सा हो जाता है भाई, थोड़ी सा। और मुझे बताइएगा कि आप लोग को ऐसा लगता है कि तुरई की सब्जी, अगर जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना उस तरीके से बनाऊंगा तो नहीं भी अच्छा लगता ना, तो अच्छी लगने लगेगी गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन इस मतलब जो सिंपल में बनाती तो और अच्छी लगती, बट इस तरीके से मेरे को अच्छा लगता है। चलाइए और नमक भी डालेंगे, अच्छे से मैंने इसको मिला लिया है और इसमें अब डालेंगे वो इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से टेस्ट माइंड बन जाता है, जो कि है चना दाल। पानी छोटे से पहले ही डाल देना है ताकि ये थोड़ा सा भुन भी जाए। इसमें ही जाएगा नमक स्वाद अनुसार, दीदी के स्टाइल में श्रद्धा अनुसार और मेरे न्यू स्टाइल में आवश्यकता अनुसार, इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसमें पानी छूट रहेगा, इस थोड़ा और पानी छूट जाएगा तो इसको कम करके पकाएंगे, और कुछ मसाले नहीं डालते इसमें, बस यही। देख सकते हैं इसमें पानी छूट गया तो मैंने कम आंच कर दी है और इसको ढक करके अब पकाएंगे आराम से। सो गाइस ये कुछ इस तरह से सूख जाएगा ऑलमोस्ट ड्राई, थोड़ा पीछे रखो ऑलमोस्ट ड्राई, इसको बस ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा इसको ना महीन महीन पूछ लेना है, तो पूछ के एकदम ड्राई उतार देना है। ऐसे मैं अभी पूछ रही हूँ, इसको दिखा दूंगी कैसे उतारती हूँ। इधर सब्जी हो रही है हमारी और इधर मैं बना रही हूँ चाय, अब इसे दूध खोला रही हूँ, चीनी और मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनाती हूँ इस चाय, तो उससे केवल दूध उबाल रही हूँ। देखिए गाइस इस पोजीशन में सब्जी को उतारना है, पूरी पानी सूख चुकी है अच्छे से, हमारा बन गया है थोड़ा ये ननुआ का सब्जी, अभी तो दूध नहीं खोना है हमारा गाइस, मेरा भाई कम कर दिया, वही तो सोच है कि अभी तो दूध खोला क्यों नहीं है। गाइस मैं नहा चुकी हूँ, ऑब्वियसली खाना बनाते बनाते ही मतलब कि पानी डाल दिया था सब्जी में, उसके बाद मैं जाके नहा ली थी, और ये आ गई मेरी चाय, भाई को भी दे दिया चाय,
बाकी सब लोग सुबह में पी चुके थे, हम और भाई बस बचे हुए थे। और कसम से कर रही हूँ मैं 1% भी एनर्जी नहीं है आजकल। मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है, मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ, मीन्स 11-12 बजे तक आई स्लीप, बट फिर मेरे 2-2.5 बजे मेरी नींद खुल जाती है। डेली के डेली यही हो रहा है 3 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ। और मैंने इतनी सारी वीडियोज़ एडिट की है ना, मीन्स कम से 8 से 10, उसमें 2 यूट्यूब वीडियो है और बाकी इंस्टाग्राम। 1% एनर्जी नहीं बची, मैं चाय पी के सोऊंगी। आई नो थोड़ा डिफरेंट है बट मुझे चाय पी के नींद आ जाती है गाइस, तो मैं चाय पी के सो जाऊंगी। अब मेरी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं, मम्मी का हेल्प भी कर दिए हैं तो या। तो मैं चाय वाय पी ली हूँ और अब जा रही सोने। थोड़ा मम्मी और दी को कुछ कुछ काम था मेरे से, वो सब सब कर दिया। अब ये और एयर वॉशर खा के मीठी मिनी मी मीनी दिमाग खराब हो गया गाइस मेरा, मीठी मीठी नींद में सोऊंगी। यस, एक हाथ से खुलता नहीं इसलिए। अब जा रहे सोने गाइस, बाय, गुड नाइट। बट व्लॉग चलते रहेगा, उठ के मिलती हूँ। ये है हमारा लंच, ये है मेरा सुंदर और ब्राउन तीनों का लंच, चावल, आलू सरसों की सब्जी, नेनुओं की सब्जी, थोड़ा जो भी बोलो मूली। और उधर मम्मी भी बैठ के खा रही है और दोस्तों तो मूली का पत्ता खा रही है, उसको दूंगी सब्जी और चावल। तो गाइस मैंने लंच वंच तो कर लिया, अभी जस्ट आई हूँ करके, बट यू नो मतलब खाने के बाद भी, मतलब ये मेरा पहला मील था आज का। बट अभी भी बताया मतलब जो 3-4 दिन से मेरी जो स्लीपिंग पैटर्न की वॉट लगी हुई है उसके से ना मेरे को बड़े चक्कर आ रहे हैं। लिटरली अभी भी मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई है, 2 बार उठ गई, मतलब मेरी नींद बहुत हल्की है, तो थोड़ी सी आवाज़ से भी ना मेरी नींद खुल जाती है, फिर मुझे बहुत टाइम लग जाता है वापस सोने में। और आज तो चंद ग्रहण भी है, सोच रही हूँ सो कि नहीं सो, बहुत सर दर्द हो रहा है। आ रही हूँ एक चॉकलेट खाने, मे बी आई फील गुड आफ्टर ईटिंग दिस। पता नहीं यार दिमाग खराब हो गया है, मेरे को सोना है, मैं इसको छप पे जा रही हूँ सोने, बट मम्मी छप पे गई है यार, क्या ही बोलूँ मैं, फिर गेट खोलना पड़ेगा, फिर नींद खुलेगी। माई डॉटर इज स्लीपिंग गाइस, दीदी इज ऑल्सो स्लीपिंग, दिस बेबी इज स्लीपिंग। और इसको मैंने कोफ्ता दिया था चाय सब खाने के लिए, नाक में लगा के खाई है ये लड़की। ओ से सो स्वीट है यार, बहुत प्यारी है मेरी बालिका। सुंदर सा बच्चा, सीज मेरी दिल की टुकड़ी।
सो गाइस ये है मेरा लुक, बहुत ही प्यारी लग रही हूँ मैं। आई नो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अब आज मैंने एक ऐसे चार वीडियो शूट किया है रील्स ऑब्वियसली, और अब मैं जा रही हूँ पनीर चिल्ली बनाने गाइस, क्योंकि आई लव पनीर चिल्ली और मैं सबसे बेस्ट बनाती थी इसे बेची। तो हम जा रहे हैं बनाने, थक गए बट फिर भी क्या करें, खाना है तो काम तो करना पड़ेगा। तो भी जा रही हूँ वही बनाने, और यह रेसिपी तो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। देखिए किधर मैं लगाई रहती हूँ, यही होता कंटेंट क्रिएटर का हाथ, मेकअप आर्टिस्ट का एक्चुअली, कंटेंट क्रिएटर का सब बने। और हाँ, पनीर चिल्ली का रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको चेक करना होगा तो आप कर लीजिएगा। अभी मैं जाती हूँ बनाती हूँ, क्योंकि लग गई है भूख, क्योंकि सुबह कहीं खाई हुई हूँ बस। तो गाइस मैंने ये चॉपिंग कर ली है, बस प्याज करना है, तो इसको फ्राई करते करते मैं प्याज भी कर लूँगी। और अब लग गई है बहुत तेज भूख, तो जा रही जल्दी से इसको बनाने। तो गाइस बन गया हमारा पनीर चिल्ली, कितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, जा रही खाने यार। 10:30 हो गए, 10:30 से भी ज़्यादा हो गए, भूखू लगी है गाइस, जा रही हूँ खाने, इतना टेस्टी खाना। तो गाइस आई नो कुछ ज़्यादा ही पनीर मैंने ले लिया है, ढेर सारा, क्योंकि ढेर सारा मैदा तो ढेर सारा ले लिया। और ये रही रोटी, ये खा रही है दीदी, सब कोई टेस्ट कर लिया बाकी लोग, कैसा लगा जी? बहुत अच्छा है। और ये हमारी मंगलू जी भी खा रही हैं, वो तभी सो रही, उनको भी देंगे गाइस। तो हम भी जा रहे हैं टेस्टी पनीर चिल्ली खाने।